ये पूछना चाहूंगा उन दोनों में तेज दौड़ना कौन सा जानता है? केवल 60 बच्चों का उत्तर मिला और 2000 बच्चे हैं, मजा नहीं आएगा? एक साथ मिलना चाहिए और हार किसकी होती है? ये हुई ना हार, पता चले कोई कार्यक्रम हो रहा है, हार किसकी होती है? खरगोश की। और मैं तीसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि तेज दौड़ने वाले को जीतना चाहिए था या हारना चाहिए था? लेकिन वो हार क्यों गया? क्योंकि वो सो गया। और उसे क्या हो गया था? घमंड हो गया था। और घमंड क्या खरगोश को होता है? मैंने देखा बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें घमंड हो जाता है और वो जो डॉक्टर वैज्ञानिक इंजीनियर बन सकते हैं वो कहीं अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कुछ बच्चे पांचवी क्लास में मेरिट में पास होते हैं, आठवीं क्लास में भी मेरिट में पास हो जाते हैं, दसवीं क्लास में भी मेरिट में पास हो जाते हैं, फिर उन्हें घमंड हो जाता है, आई एम बॉर्न इंटेलिजेंट, अब हम मेहनत क्यों करेंगे, अब तो हम नहीं पढ़ेंगे, तब भी हमारी बारहवीं क्लास में मेरिट आ जाएगी। नहीं प्यारे बच्चों, इस बात पर घमंड मत करना। अगर आपको घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करना, इस बार हम इतनी मेहनत करेंगे, पूरे जिले में अपने विद्यालय का नाम रोशन करके दिखाएंगे। हम इस बात पर घमंड करेंगे, पूरे हरियाणा में हम अपने विद्यालय का नाम रोशन करके दिखाएंगे। और घमंड करना है तो इस बात पर करना, इस बार हम में से कोई भाई बहन होगा जो पूरे देश में अपने विद्यालय का नाम रोशन करके दिखाएगा तो मजा आ जाएगा। और मजा है आपके चेहरों पे, अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर पाए तो आप में से कोई बच्चा निकल सकता है जो मोहना गांव का नाम पूरे देश में रोशन कर सकता है। तब मैं चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ आपके काम की, कि मंजिलों से आगे मंजिलें भी और भी हैं, मंजिलों से आगे मंजिलें भी और भी हैं, ये दौर नहीं आखिरी दौर अभी और भी हैं। और मत लज के रह जाना, जीत के फूल और हार के कांटों में आपके वास्ते जिंदगी के रास्ते अभी और भी हैं। कभी अंकल क्या बताएं, हम मेहनत तो मेहनत के लिए करते हैं लेकिन हमारा अखबार में फोटो नहीं छपता।